दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी जीव के लिए भोजन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उचित नींद भी है, तब कहीं जाकर उसका शरीर ठीक से काम कर पाता है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसे प्राणी देखा है जो अपने पूरे जीवन में एक पल के लिए भी नहीं सोता है? या किसी ऐसे प्राणी के बारे में सुना है जो सोता है लेकिन केवल कुछ पल के लिए? ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जो कभी नहीं सोते हैं या जिनके सोने के अनोखे तरीके आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। नंबर वन, एंड विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 दिनों तक बिना सोए जागता रहे तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन धरती पर एक ऐसा जीव भी है जो अपने पूरे जीवन में एक पल के लिए भी नहीं सोता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन चींटियों की जो अपना पूरा दिन सिर्फ काम करने में बिताता है। सोना तो दूर की बात है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कीड़ों की दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके मस्तिष्क में 0.25 मिलियन से अधिक कोशिकाएं होती हैं। इसकी मदद से वो अपने पूरी जिंदगी में एक पल भी सोए बिना गुजार देती है। कभी अपने लिए भोजन के कुछ टुकड़े जुटाने में तो कभी परिवार का झुंड बनाने में। इतना ही नहीं, इन चींटियों के कान नहीं होते बल्कि इनके घुटनों और पैरों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनकी मदद से जिससे वे अपने आसपास के हर कंपन को केवल आसानी से महसूस कर सकते हैं बल्कि उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। कौन सी ध्वनि उनके लिए खतरनाक घंटी है और कौन सी नहीं। नंबर टू, फ्रॉग। बात करें मेंढक की तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि उसके शरीर में एक एंटी फ्रिंज सिस्टम होता है, और यही वजह है कि अगर ये मेंढक कभी किसी बर्फीले पानी में पूरी तरह से जम जाए तो अपनी इस खास खूबी की मदद से मौत को चकमा देने में पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं। हालांकि बर्फीले पानी में पूरी तरह जमने के बाद यह अलग होता है। मेंढक न तो सांस ले सकता है और न ही उनके दिल की धड़कन होती है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये जिंदा रहते हैं और आखिर पानी सामान्य होते ही खुद भी पूरी तरह से सामान्य हो जाते हैं। नंबर थ्री, सार्क। अधिकांश सार्क प्रजातियों को ऑक्सीजन लेने के लिए लगातार पानी में तैरने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सार्क के गलफड़ों की में पानी का प्रवाह रुक जाने के कारण उसे आसानी से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और यही कारण है कि सार्क कभी नहीं सोती है, या यूं कहें कि वो अन्य जानवरों की तरह आराम से नहीं सोती है। यदि वैज्ञानिकों का मानना है कि सार्क की रीढ़ की हड्डी उसके तैरने की गति को नियंत्रित करती है न कि उसके मस्तिष्क को, तो इसका मतलब है कि सार्क अपने मस्तिष्क को कुछ समय के लिए ही सही आराम देती है, लेकिन फिर भी यह तैरता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे सोना नहीं बल्कि सार्क के लिए आराम का समय कहते हैं। नंबर फोर, जिराफ। लंबे कद वाले जिराफ दिन में लगभग 4.5 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन ये जानवर कभी भी लगातार 4.5 घंटे तक नहीं सोता है बल्कि एक बार में अधिकतम लगभग 35 मिनट तक ही सोता है, और इसी तरह ये पूरे दिन में कई बार छोटी छोटी बार सोता है। इतना ही नहीं, जिराफ पूरी तरह से बैठे या खड़े होकर भी सोने के आदी है। कभी कभी यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये जीव सच में सो रहे हैं या जाग रहे हैं। हालांकि उनके सोने के अनोखे तरीके के पीछे सबसे बड़ा कारण शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा जैसे शिकारी जानवर है जो हमेशा उन्हें अपना निवाला बनाने की कोशिश में रहते हैं। फिर भी उन्हें खुद को बचाने के लिए हर समय सतर्क रहना पड़ता है। नंबर फाइव, ग्रेट फ्रिगेट बर्ड। तटीय क्षेत्र में अपना घोंसला बनाने वाले ग्रेट फ्रिगेट बर्ड्स 2 महीने तक लगातार उड़ने के लिए जाने जाते हैं। वो सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान वे न तो उतरते हैं और न ही कहीं रुकते हैं। ये समुद्र के ऊपर से उड़ते हैं तो एक ही उड़ान में बिना रुके 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। फ्रिगेट बर्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये उड़ते समय भी सो सकते हैं, और आपको बता दें कि ये हर दिन लगभग 45 मिनट तक सोते हैं, लेकिन कभी भी 45 मिनट तक लगातार नहीं बल्कि एक बार में केवल कुछ सेकंड के लिए ही सोता है, और इस तरह ये पक्षी दिन भर में कई बार नींद की झपकी लेता रहता है। नंबर सिक्स, पूरी रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़े।
पूरे दिन में केवल 3 घंटे की नींद लेते हैं और उन्हें इस सूची में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उनके सोने की 2 पोजीशन होती है और उनकी दोनों ही पोजीशन अपने आप में बहुत अजीब होती है। ऐसे में अगर हम उनके पहली सोने की स्थिति के बारे में बात करें तो घोड़े खड़े होकर भी सो सकते हैं और वे ऐसे ही इसलिए सोते हैं ताकि अगर कोई शिकारी जानवर उन पर हमला करे तो वे तुरंत प्रतिक्रिया कर सके और अपनी जान बचाकर भाग सके। इतना ही नहीं, जब घोड़े खड़े होकर सोते हैं तो उनके शरीर में मौजूद जोड़ लॉक हो जाते हैं जिससे न सिर्फ वे अपनी मांसपेशियों को आराम दे पाते हैं बल्कि कुछ देर के लिए आराम से आराम भी कर पाते हैं। वही अगर हम उनके सोने की दूसरी पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन में वे पूरी तरह से घास पर लेट जाते हैं और घंटों तक सोते रहते हैं क्योंकि पहली पोजीशन में खड़े खड़े सोने के कारण उन्हें कुछ देर के लिए आराम मिल जाता था लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। नंबर 7, व्हेल। क्या आपने कभी विशाल शरीर वाले व्हेल के बारे में सोचा है और वो समुद्र में कैसे सोती है? अगर नहीं तो देर किस बात की, आइए हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में आप स्पर्म व्हेल को सोते हुए साफ देख सकते हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब स्पर्म व्हेल सोती है तो वो अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर आकार में रखती है क्योंकि उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। स्पर्म व्हेल पानी के भीतर लगभग 10 मीटर की गहराई पर सोती है और अपने पूरे दिन का लगभग 7% ही नींद में बिताती है। यही कारण है कि एक समय में यह केवल 10 से 15 मिनट ही सोता है जिसके बाद इसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है और जैसे हम इंसान सोते समय भी आसानी से सांस ले पाते हैं, स्पर्म व्हेल के मामले में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। नंबर 8, प्यारी से दिखने वाले डॉल्फिन अन्य जानवरों की तुलना में बहुत अलग तरीके से सोती है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं डॉल्फिन में गिल्स नहीं होते हैं जिसके कारण उन्हें सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। अब ऐसे में अगर वो आराम से सोता है तो उस पर पानी के डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस खतरे से बचने के लिए डॉल्फिन सोते समय अपने दिमाग का केवल एक हिस्सा ही सोती है जबकि उनके दिमाग का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से सतर्क रहता है जो उन्हें सांस लेने के साथ साथ खतरों से सचेत रहने में भी मदद करता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।